दिव्य सज्जनों, एनवाईएफ 2024 युवा शक्ति और एकता का एक भव्य उत्सव है। इस उत्सव में विभिन्न भाग लेने वाले राज्यों के जीवंत और उत्साही युवाओं द्वारा अब मार्च पास्ट होगी। परेड का नेतृत्व पारंपरिक वाद्य तुतारी, नासिक ढोल और ताशा बजाते कलाकार कर रहे हैं। उनके पीछे हमारे एनसीसी के कैडेट्स। उत्साहित युवा का प्रतीक राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का मैस्कट शेखरू को भी आप इस परेड में देखेंगे और उसके पीछे राज्यों के प्रतिनिधि। प्रत्येक राज्य संस्कृतियों, परंपराओं और सपनों का एक अनूठा मिश्रण सामने लाएगा जो विविधता में हमारी एकता और हमारी एकीकृत ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। देवी सज्जनों, एक ऐसे दृश्य को देखने के लिए तैयार हो जाइए जो हमारे अविश्वसनीय राष्ट्र के गौरव और संकल्प का प्रतीक है। आप सभी की जोश भरी तालियों के बीच मार्च पास्ट का स्वागत करते हैं। अमृत नोनी आर्थो प्लस, ये एक प्रूवन फॉर्मूला है। इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है। दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थो प्लस। अभिवादन करते हुए हमारे साथ अब छत्तीसगढ़ के कलाकार पूरे जोश और मस्ती के साथ अपनी पारंपरिक वेशभूषा, अपने नृत्य से सभी को मन मोह रहे हैं। आगे बढ़ते हुए और अब मंच के सामने से हरियाणा की टीम हमारे सामने जा रही है। हिमाचल प्रदेश से बहुत ही सुंदर कलाकार झूमते हुए देवी सज्जनों, अनेकता में एकता का एक बहुत ही सुंदर प्रदर्शन। और अब हमारे साथ
झारखंड की टीम सामने आते हुए। राज्यों के प्रतिनिधि सभी अपने राज्यों की संस्कृतियां, परंपराओं और अपने सपनों का यहां पर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री जी को अभिवादन करते हुए वेस्ट बंगाल की हमारे साथ यहां पर झूमती हुई टीम। और अब देश का दिल मध्य प्रदेश मंच पर हमारे सामने, पंजाब के खेतों से वो खुशबू लाते हुए हमारे सामने, राजस्थान के पारंपरिक वेशभूषा में, और अब ईस्ट की तरफ से सिक्किम की टीम हमारे सामने से, और अब तेलंगाना से तेलंगाना के प्रतिनिधि हमारे साथ इस परेड में आगे बढ़ते हुए। अब उत्तर प्रदेश और अब देवी सज्जनों हमारे राज्य महाराष्ट्र की टीम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं, प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए महाराष्ट्र की टीम। दिव्य सज्जनों, ये है नए भारत के युवा जो बदल रहे हैं तस्वीर, रच रहे हैं नया इतिहास, एक ही सुर में लेते हुए संकल्प, एक विकसित भारत बनाना है, एक विकसित भारत रचाना है। एक प्रदर्शन मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियां हर दिशा से यहां पर मंच के सामने से प्रधानमंत्री जी के सामने से गुजरती हुई। सभी का एक ही संकल्प, हमें विकसित भारत बनाना है।